स्टूडेंट्स, आरसीआई एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लगभग 9.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बाकी हैं तो उन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। और इस यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है हमें, 1 cos 2x का अंडर रूट है, इसका x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले i = इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन 1 cos 2x इंटू ये dx, x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं अंडर रूट के फॉर्म में जिसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सके। तो इसका मतलब है इसको कहीं ना कहीं सोल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इसको लेकर के जाना पड़ेगा। तो उसमें कैसे ले जा सकते हैं हम? यहाँ पे देखो, cos 2x के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos 2x = क्या होता है, 2 cos² x - 1। एक फॉर्मूला तो ये होता है, उसके अलावा एक और होता है 1 - 2 sin² x, ये होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों फॉर्मूले में से जो भी यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि जो 1 को कैंसिल कर दे वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये अगर हम रखते हैं 2 cos² x - 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इसकी जगह अगर हम रखेंगे तो यानी कि इस वाले फॉर्मूले को हम काम में ले लेते हैं यहाँ पे। तो i = क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट 1 प्लस, इसकी जगह क्या लिख दें, इसकी जगह ये उठा कर के हम रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos² x - 1, ये बन गया इंटू dx आपका चल रहा है। तो यहाँ से देखो, ये -1 से ये +1 आपका कैंसिल हो गया है। यहाँ पे क्या बच गया, इंटीग्रेशन जो बचा हुआ है 2 cos² x का अंडर रूट इंटू dx। तो अब ये देखो, cos² x का क्या हो जाएगा, cos x, और 2 का √2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे cos x dx। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, i = अंडर रूट 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin x प्लस में आपका जो कांस्टेंट है c, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 है, इंटीग्रेशन cos 2x / cos² x - sin² x, ये है इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसमें भी i के इक्वल मान लेंगे, क्या हो जाएगा, i = cos 2x / cos² x - sin² x और dx। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बन रहा है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते हैं इसमें। तो आपने पढ़ा होगा cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x = cos² x - sin² x। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं इसकी जगह। तो देखो, यहाँ पे i = (cos²x - sin²x) (cos²x) · sin²x · dx। अब देखो, इनको अलग अलग करेंगे तो कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, cos²x / cos²x · sin²x, फिर यहाँ पे माइनस आ गया, इंटीग्रेशन sin²x / cos²x · sin²x, और dx इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि ये cos²x इस cos²x से कैंसिल हो जाएगा, ये cos²x इस sin²x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, i = जो भी है 1 sin²x · dx, और माइनस यहाँ पे देखो, ऊपर तो केवल dx ही है और नीचे cos²x। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, 1 sin²x क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका cosec² यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका cosec² x, फिर इंटू में dx, और यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा, sec² x dx, ये जो कि दोनों ही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। cosec² x क्या बन जाएगा आपका,
ये बन जाएगा माइनस का कोट एक्स, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का बन जाएगा टेन एक्स प्लस में सी, जो कि आपके क्या है इंटीग्रेशन की वैल्यू है जो हमें निकालना था। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है कोस टू एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जो इसका इंटीग्रेशन है वो जे निकल के आएगा। स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे कि हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं एफ ऑफ एक्स का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ये आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका आता है यहाँ पे, तो अगर आप ये क्या है एक डिफरेंशियल कोफिशियंट है, इस डिफरेंशियल कोफिशियंट को अगर आपको दे दे और कहे कि ये फंक्शन फाइंड करो, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसको माइंड में जरूर रखना ताकि आपको पता रहे कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का ही कन्वर्स प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, वो है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का, उसके बाद में केवल आपके एग्जांपल्स ही बचेंगे। तो ये है 3 cos x plus 4 upon sin square x dx, यानी कि इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो वही काम जो हम करते आए हैं, i इज इक्वल टू मान लेंगे 3 cos x plus 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फार्मूला हमें बनाना होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला कैसे बनेगा जब इनको अलग कर लें, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला बन सकता है। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में जो है 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये बन गया है इनटू में डी एक्स। अब देखो कोस बाई एक साइन यहाँ पे लेते हैं तो क्या बन जाएगा कोस बाई साइन कोट एक्स इनटू में 1 बाई साइन क्या बन जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट में देखो 3 कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस में ये जो है अलग से निकाल लेंगे, दो अलग अलग फंक्शन है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आ जाएगा 4 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx आपका यहाँ पे भी आएगा, ये बन गया। अब ये देखो कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी बाहर आ जाती है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, 3 बाहर आ गया तो कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स प्लस में ये 4 यहाँ से बाहर आ गया है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स जब आपने फॉर्मूले याद किए थे तो ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले आपने किए थे, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सॉरी 3 और यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स प्लस सेम रहेगा 4 जो आपका बाहर चल रहा है वो सेम, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस सॉरी ये बाहर आ गया इनटू में माइनस कोट एक्स ये हो जाएगा। प्लस में हम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लगाना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस 3 कोसेक एक्स माइनस 4 कोट एक्स प्लस सी, ये क्या निकल के आ गया आपका इंटीग्रेशन, जो कि आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 24 का, जो कि बेहद इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, उन पे आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, और रही बात एग्जांपल्स की तो आपको 1-5 एग्जांपल्स खुद से करने हैं, उसके बाद में भी अगर आपसे हो पाते हैं तो उन पे कोशिश कीजिएगा। एक वीडियो और आने वाली है जो इस एक्सरसाइज 9.1 के एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर सारे एग्जाम्पल्स लगभग मैं कवर कर दूंगा या फिर उन पे कोई हिंट दे दूंगा ताकि आप उन एग्जाम्पल्स को ईजिली सोल्व कर सकते हो, और जितना हो सके स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को 9.1 जो एक्सरसाइज है इसको सोल्व कीजिएगा, फॉर्मूले याद कीजिएगा, क्योंकि हर जितने भी आगे की एक्सरसाइज आएंगी उनमें सभी में ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आगे वाले एक्सरसाइज के हिसाब से। ये जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 है, 9.2 में अलग टाइप के थोड़े से इंटीग्रेशन स्टार्ट होंगे तो वो तभी समझ में आएगा जब आपको 9.1 अच्छे से आता होगा, अदरवाइज वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम फेस होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।